हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और मेरे चैनल का नाम है अजय ट्यूटोरियल और मैं कर रहा हूँ आपकी मुश्किलें आसान, क्योंकि मैं आपके लिए ला रहा हूँ आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स सब टॉपिक्स ऑफ फिज़िक्स स्टैंडर्ड 12th HSC महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेशली, राइट। और इसमें हम सीखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसके पहले वाला वीडियो है, आप लोग पीछे जाके अगर नहीं देखे तो देख सकते, क्योंकि मैं कुछ उस रेफरेंस वहाँ से भी लेने वाला हूँ। तो और ये दोनों वीडियो अगर आप कम्प्लीटली कर लेते हो तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई भी छोटे या बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, वहाँ पर लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप मार्क्स गेन कर सको, राइट। चलो सीखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशन एंड इंटेंसिटीज ऑफ फ्रिंजेस मैथमेटिकली। इसका कहने का मतलब है कि सेंट्रल ब्राइट बैंड से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर डार्क पॉइंट फॉर्म होता है या ब्राइट पॉइंट फॉर्म होता है, ये हम डिटर्मिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट। तो हम लोग आज वो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, मतलब एक छोटा सा डेरिवेशन है ये, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखो डायग्राम में, अगर पहला वीडियो देखे हो तो देख लो, यहाँ पे S1 यहाँ पर ड्रॉ करना है तुमको, S2 यहाँ पर ड्रॉ करना है, और इसके सामने स्क्रीन होती है जहाँ पे वो पैटर्न फॉर्म होने वाला है। कौन सा पैटर्न? फ्रिंज विड्थ फॉर्म होने, फ्रिंज फॉर्म होने वाले हैं, ब्राइट डार्क के मैक्सिमम मिनिमम लिखा था इसके पहले वीडियो में अगर देखा होगा तो, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगा कि इसमें हम पता करते हैं कि कोई भी पॉइंट ब्राइट है या फिर डार्क, ये हमको समझ में आता है सिर्फ डिस्टेंस के बेस पर। तो मैं कंसिडर करता हूँ ऐसा कि एक लाइन है जो सोर्स से मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, सपोज़ यहाँ से ये छोटा सा लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ। तुम कंस्ट्रक्शन करोगे तो डॉटेड ही ड्रॉ करना है। रीज़न डॉटेड क्यों ड्रॉ करना है लाइन्स को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, कंस्ट्रक्शन में तुम ज्योमेट्री में सीखे होगे कि हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये दो रेफरेंस लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि परपेंडिकुलर है स्क्रीन के ऊपर। तो M1 इसको कंसीडर करता हूँ और इसको M2 कंसीडर करता हूँ, और ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का पॉइंट है O, राइट, जो कि इक्वी डिस्टेंस है। कहाँ से दिखाने के लिए जस्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये वाला इक्वी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम डिस्टेंस होंगे तो क्या होगा, लाइट एक साथ यहाँ से पहुँचेगी और ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमम वाला पॉइंट फॉर्म होगा। क्रेस्ट या ट्रफ्स फॉल होंगे, हिट करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट फॉर्म होगा। ये ब्राइटेस्ट होता है, इसको सेंट्रल मैक्सिमम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सबको देखते हुए सेंट्रल मैक्सिमम क्या होता है ये मैंने बता दिया। अब हमारा मेन क्वेश्चन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, मेन क्वेश्चन हम क्या करना है रहता है हमको इस डेरिवेशन में, वो स्टार्ट करता हूँ। सेलेक्ट एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, एनी पॉइंट पी, तो हम सेलेक्ट करते हैं ये वाला पॉइंट पी। इस पॉइंट, ये पॉइंट डार्क पॉइंट बनेगा या फिर ब्राइट पॉइंट बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो ये पॉइंट को मैं कहाँ से मेजर करूँगा डिस्टेंस, यहाँ से मेजर करूँगा सेंट्रल मैक्सिमम से। तो कंसिडर सेंट्रल मैक्सिमम से इसका डिस्टेंस वाई है, राइट, वाई है, और ये दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस अगर आपको पता होगा तो स्मॉल डी कंसिडर किया जाता है, स्मॉल डी, और ये इससे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये डी बाई टू होगा और ये डी बाई टू होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेफरेंस लाइन है इसकी, ये यहाँ पे इसको डी बाई टू में डिवाइड कर रहा है, राइट, हाफ ऑफ ले रहे हैं, मतलब ये सेंटर है, मिड पॉइंट है, ऐसा समझ लो। तो ये d/2 हो गया। अब मैं ये बता, d/2 क्यों ले रहे हैं, इसका यूज़ भी है हमारे पास, देखो d/2 मतलब, अब ये लेने से फ़ायदा ये हुआ कि ये यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, सपोज़ O से P का डिस्टेंस तो Y है, राइट, तो M1 से P का डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। इसमें हम लोगों को y-d/2 करना पड़ता है, राइट। तो एक इन्फॉर्मेशन तो मिल गई मुझे, क्या है इन्फॉर्मेशन, PM1 का लेंथ कितना है, y-d/2, और यही डिस्टेंस अगर हम लोगों को और नीचे तक मेजर करना है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस आप देख रहे हो d/2 है, तो मतलब y तो है ही, इसमें प्लस हो रहा है d/2, तो PM2 का डिस्टेंस जो होगा, PM2 हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट, PM2 का डिस्टेंस होगा y+d/2। ये एक बार समझ जाते हो तो मतलब 30% डेरिवेशन कंप्लीट हो गया हमारा,
ओके, अब मेजर पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, लाइन ड्रॉ करते हैं कहाँ तक उसको कनेक्ट करने के लिए। देखो स्टूडेंट, इसमें इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है ये डेरिवेशन कि इसमें ओनली डिस्टेंस से हम लोग पता कर सकते हैं कि ब्राइट फॉर्म होगा कि डार्क फॉर्म होगा। अब ये ब्राइट या डार्क का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये सिंपल सा है, जो यहाँ से वेव्स आती है ना, ये वेव्स आती है, ये देखो ये वेव्स, और यहाँ दूसरी वेव्स हो जाएगी, एक ही पॉइंट पे हिट करेंगे जब एक दूसरे को ऐसे, तो अब देख रहे हो यहाँ इसका क्रेस्ट आगे जा रहा है और इसका ट्रफ्स आगे जा रहा है। मतलब ये तो मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, बस ये डिपेंड करता है कि ये डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है। तो हमको मेजरली मेनली क्या फाइंड करना है? पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, कि मतलब दोनों सोर्स से उस पॉइंट पर पहुंचने वाली लाइट के बीच में पाथ में कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस कितना कम या ज़्यादा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी वेव एक्स्ट्रा होगी और क्या ओवरलैप करेगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, राइट? तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट का पर्पस। अब एक्सपेरिमेंट जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करना, आप लोगों को पाइथागोरस अप्लाई करके सॉल्व करना है पूरे कॉन्सेप्ट को। पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, ये भी बता दिया मैंने, सब डिस्क्राइब कर दिया। तुमको ये डिस्टेंस भी मेजर करके रख लेने हैं, ये वाले ये दोनों के बारे में लिख लेना है। अब स्टार्ट करना है मेज पार्ट, बहुत ही सिंपल है मेन पार्ट। तुमको दो बार तुमको डिफरेंस क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस, मैंने पहले ही बता दिया पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, देखो S2P बड़ा है माइनस S1P फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो इस तक पहुंचने के लिए हमको एक एक करके जाना पड़ेगा। तो एक कंसीडर करो इन ट्रायंगल, ये यहाँ पे 90 बन रहा है ना, तो S2M2P बाय पाइथागोरस S2M2P। अब बाय पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2M2 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या लिखोगे? PM2, देख सकते हो डायग्राम में PM2 ये वाला लेंथ लिखना है, ओके, का स्क्वायर, PM2 का स्क्वायर, ओके। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर कितना, यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं क्या? वैल्यूज सोर्स और डिस्टेंस के स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, ये स्क्रीन है आपकी, ये सोर्स है, सोर्सेस है, ओके, डी होता है कैपिटल डी, और दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस डी और सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, ये याद रखना है, ओके। S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2M2 स्क्वायर प्लस PM2 स्क्वायर, ये हमने कैसे निकाला है? पाइथागोरस से निकाला। चलो एक काम तो हो गया, तो हम लोग वैल्यूज रख लेते हैं। S2P नहीं पता है तो इसको S2P स्क्वायर ही रखो, S2M2 है अपने पास, S2M2 हाँ ये तो D के बराबर है, तो D का स्क्वायर प्लस PM2, देखो PM2 हमने पहले से यहाँ पे नोट करके रख लिया, Y प्लस D बाई टू द होल स्क्वायर, ओके। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे A प्लस B द होल स्क्वायर फॉर्मूला, A की जगह Y है, B की जगह D बाई टू है, तो Y स्क्वायर A स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, एंड 2AB 2Y D बाय 2, तो ये हो गया भाई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2Y D बाय 2। S2P हमने निकाला, ओके। सेकेंड थिंग क्या है? S1P निकालना है इन ट्रायंगल, ये छोटे वाले, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ऊपर ये लाइन गया ना, ये वाला ये ट्रायंगल है तुम्हारा, तो इन ट्रायंगल S1M1P बाय पाइथागोरस क्या होगा? S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1M1 स्क्वायर प्लस PM1 स्क्वायर, और PM1 निकाल लिया हमने, S1M1 D के बराबर ही है, तो चलो S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1M1 का वैल्यू है D और PM1 का वैल्यू है Y माइनस D बाय 2 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, D स्क्वायर प्लस Y माइनस D बाय 2, तो स्क्वायर ये हो गया और ये 4 हो गया, ओके। और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस 2AB, ओके, S1P हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करो और ये वाला 2। अब क्या करना है? S2 माइनस, देखो हमारा
एम द पाथ डिफरेंस एस टू पी माइनस एस वन पी। तो हम लोग इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन इक्वेशन टू फ्रॉम वन, राइट। तो तभी मिलेगा हमको पाथ डिफरेंस एस टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सॉरी नॉट इक्वल टू माइनस एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो बोर नहीं होना है, ये थोड़ा सा प्रोसेस है, मैं तुमको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे क्या मेथड है, लेकिन अगर डेरिवेशन देखने जाए तो बहुत ही कम समय में हो जाता है। तो हम लोग अब इसका देखो ये वाला साइड लिखेंगे, फिर ये इसको माइनस करेंगे, तो डी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस टू वाई डी बाय टू, ये तो हो गया अपना ये कॉन्सेप्ट। ओके अब ये वाले टू का राइट साइड मतलब माइनस करना है और सभी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर प्लस प्लस कैसे माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस लिखो क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर और ये माइनस है वो हो जाएगा प्लस, तो फोर टू वाई डी बाई टू। अब कैंसिल करो फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है पहले देख लो, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है माइनस प्लस, और ये डी स्क्वायर ये भी माइनस प्लस, तो बचता क्या है, बचेगा सिर्फ इतना ही हमने, ये टू वाई डी बाई टू टू वाई डी बाई टू, तो टू टू फोर हो जाएगा फोर वाई डी बाई टू। अभी टू को कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा टू वाई डी अपॉन कुछ भी नहीं अपॉन क्या, ओके सो एस टू पी माइनस एस वन पी का स्क्वायर। ओके हम पहुँच रहे जस्ट नज़दीक पहुँच चुके हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं है। एस टू पी माइनस एस वन पी एंड प्लस एस टू पी प्लस एस वन पी, पी वन क्यों लिख रहा हूँ मैं, हाँ ओके ये हो गया। ये क्यों लिखा समझ रहे होगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, समझ गए ना, ये फॉर्मूले वाला पार्ट नहीं लिखना तुमको डेरिवेशन में, तुमको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, स्प्लिट कर दिया इसको, और इधर जो बचा टू वाई डी, अब हमको क्या फाइंड करना था बच्चे लोग, याद करो बच्चे लोग, याद करो क्या याद करो, ये एस टू पी माइनस एस वन पी, तो हमको यही सिर्फ चाहिए, इसको दूसरे साइड लेके जाना पड़ेगा। तो एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू टू वाई डी अपॉन एस टू पी प्लस एस वन पी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक होने वाला है, मतलब ये तुमको बाय हट करना पॉइंट को, टू वाई डी अपॉन डी प्लस डी इज इक्वल टू टू वाई डी अपॉन टू डी। अब ये बता भी देता हूँ कैसे मैजिक हुआ है, टू वाई डी अपॉन 2d आया एस टू पी, हमने किया क्या उसके पहले ये बता देता हूँ, इसके पहले किया क्या क्या हुआ अच्छे समझ लो, यहाँ पे ऐसा कंसिडर किया है, ये जो d है ना ये वाला पॉइंट d, ये d ये वाले d से बहुत ही बड़ा है, वेरी मच ग्रेटर देन, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं एस वन और एम वन, मतलब ये लाइन जो है ये वाली लाइन, ये दिखाने के लिए बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, ट्रेस करना पड़ रहा है, एस टू पी एस वन पी में कोई डिफरेंस, अब देखो ये बहुत छोटा है, नेगलेक्ट किया जाए तो ये दोनों लाइन सेम हो जाएगी, इसको नेगलेक्ट करोगे तो ये सेम हो जाएगी, ओके मतलब इसके बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, तो इसमें ऐसा कंसिडर किया जा रहा है एस वन एस टू पी और एस वन पी एस वन पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डी के, इसके लिए मैंने यहाँ पे डी लिया है, यहाँ पर भी डी लिया है समझे, तो इसलिए टू डी। अब बोलेंगे आप माइनस माइनस के लिए डिफरेंस तो कुछ आ ही सकता है समझे, माइनस में नहीं अप्लाई करना ये वाला, हम लोग को यहाँ पे प्लस में पाथ डिफरेंस फाइंड करें, तो टू टू कैंसिल हो गया, तो हमारा जो पाथ डिफरेंस, अब इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ डेल्टा एल पाथ डिफरेंस, राइट डेल्टा एल भी लिख सकता हूँ पाथ डिफरेंस, डेल्टा एल इज इक्वल टू फॉर्मूला आया वाई डी अपॉन डी। ओके तो ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब हम क्या बता सकते हैं, पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, और तुम जानते हो पाथ डिफरेंस पे ही फेज डिफरेंस होता है, फेज के अकॉर्डिंग मैचिंग मिसमैचिंग होती है और डार्क बैंड ब्राइट बैंड फॉर्म होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा।